दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं मैं। कुछ भी काम कर रहे हो छोड़ दो, पहले ये वीडियो देखो। अगर सो के उठे हो मुंह बाद में धोना, पहले ये वीडियो देखो, बिकॉज लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। इस एक ही वीडियो में आपको मिलने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के तीन टाइप, ट्रेडिशनल मेथड विथ शॉर्ट ट्रिक, ये ध्यान रखना। पहले हमने चार टाइप पिछले चार पार्ट में कवर कर रखे हैं, आपने नहीं देखे आई बटन पे क्लिक करके उनको देख लेना। तो आई की जल्दी से बढ़ते हैं पहले टाइप का पहला क्वेश्चन करने। देखिए सवाल पढ़िए मेरे साथ के, कोई व्यक्ति 10 रुपए में 11 संतरे खरीद कर 11 रुपए में 10 संतरे बेच देता है, ठीक है। इस लेन देन में उस व्यक्ति को कितना लाभ या हानि होता है। तो ये टाइप आ जाती है क्या कि इतने संतरे इतने में खरीद कर इतने में इतने बेच दिए, तो बताओ कितना फायदा है कितना नुकसान है। तो देखिए इसका ट्रेडिशनल मेथड सीखिए पहले मेरे साथ। उसमें हम क्या करेंगे, पहले स्टेप के जितने संतरे उसने खरीदे हैं और जितने संतरे उसने बेचे इनका आप LCM निकाल लेंगे। तो हम निकालेंगे LCM 11 और 10 का, ठीक है। 11 संतरे उसने खरीदे हैं और 10 उसने बेचे हैं, तो 11 क्योंकि एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में क्या करेंगे मल्टीप्लाई ही उनका LCM होती है, तो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 110 आ जाएगा। LCM निकालना सिखा रखा है आपको, आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, देखिए हमने ये मान लिया, देखिए 110 क्या है, 110 से कॉमन मल्टीपल है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है। तो हमने क्या मान लिया कि 110 संतरे ही उसने खरीदे हैं और 110 संतरे उसने टोटल बेचे हैं, ये हमने मान लिया सवाल को आसान करने के लिए कि उसने 110 संतरे खरीदे 110 ही बेच दिए। अब देखिए क्या करेंगे, पहले उसने 10 रुपए की 11 संतरे खरीदे। अच्छा अब एक कंसेप्ट और देखिए, मान लीजिए आपने ना 10 रुपए में 5 पेंसिलें खरीदी थी, तो एक पेंसिल कितने की होती है, तो आप क्या करेंगे 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आपकी एक पेंसिल आ जाएगी कि आपने 2 रुपए की एक पेंसिल खरीदी थी। बिल्कुल यही जो लॉजिक है ना हमारा, यही हम यहाँ फॉलो करेंगे कि उसने 10 रुपए में 11 संतरे खरीदे थे, तो एक संतरा उसने कितने का खरीदा होगा वो हम निकाल लेंगे। कैसे, हम क्या करेंगे भाई 10 रुपए को ना 11 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर एक संतरे की कीमत निकल के आ जाएगी। टोटल संतरे उसने खरीदे थे 110, तो एक संतरे की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 110 से, तो टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा कि उसने टोटल कितने रुपये के संतरे खरीदे थे। 11 से 11 कट जाएगा, एक बार 10 धाम आपका हो जाएगा 100, तो 100 रुपये के उसने संतरे खरीदे थे टोटल। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए उससे संतरे जो बेचे हैं वो बेचे हैं 11 रुपये में 10, तो हम दोबारा क्या करेंगे भाई 11 रुपये में उसने 10 संतरे बेचे थे, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा एक संतरे का कीमत, एक संतरे का अमाउंट जो उसने बेचे थे, तो यहाँ से ये आ गया टोटल कितने बेचे थे 110, तो यहाँ पर 110 से इसकी दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 11 11 होते हैं आपके 121, तो 121 रुपये के उसने संतरे बेच दिए। तो उसने 100 रुपये के संतरे खरीदे, 121 के संतरे बेचे, तो हमें पता चल गया उसको प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है कितना 21 रुपये का, कि जब उसका SP ज़्यादा हो तो हमें प्रॉफिट होता है। तो यह आ गया उसका CP कॉस्ट प्राइस और यह आ गया उसका SP निकल के, ठीक है। हमें बताना है कि कितने प्रतिशत उसको लाभ हुआ है, तो अगर रुपयों में आंसर आए तो आंसर आ चुका है कि 21 रुपये का फायदा हुआ है, इसको अब हम परसेंटेज बना लेंगे। पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिए अगर आपको ना पता हो कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। अगर सवाल में कुछ और नहीं दिया तो हम कॉस्ट प्राइस पर ही निकाल लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस जो है हमारी वो कितनी है, 100 रुपये की है। अब देखिए कैसे निकालेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, देखिए बहुत आसान है, बहुत ही आसान। 100 रुपये पर कॉस्ट प्राइस हम नीचे रखेंगे, 100 रुपये पर जो 21 रुपये का फ़ायदा हुआ है, ठीक है, 100 रुपये पर जो 21 रुपये का फ़ायदा हुआ है वो कितने परसेंट है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से जो कट जाएगा तो हमारा 21% जो है यही इसका आंसर आएगा। तो उसको 21% का क्या हो गया, लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये था इसका ट्रेडिशनल मेथड। अब देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से इसका आंसर कैसे लेके आएंगे हम। तो यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से समझना, हमसे क्या कहा गया था कि 10 रुपये में ना 11 संतरे खरीदे हैं, तो हम क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे, देखिए जी 11 संतरे उसने खरीदे कितने रुपये के, 10 रुपये के। जो भी आइटम होगी, फल सब्जी कुछ भी होगा, उसको आप पहले लिखेंगे 11 संतरे उसने 10 रुपये के खरीदे, और फिर क्या करा उसने 10 संतरे 11 के बेच दिए, तो उसने 10 संतरे जो है वो 11 के बेच दिए, है ना, यही तो किया ना उसने। अब देखिए क्या करेंगे आप, एक काम करना है बस आपको, क्या कि इनकी ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बस आपका काम हो गया। तो 11 की आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 into 11, और फिर बीच में आप लगाएंगे माइनस, ठीक, फिर आप इसकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे
टेन इंटू टेन, ये हो गया इसकी, और फिर बटे में यही मल्टीप्लाई बटे में भी लिख देंगे आप टेन इंटू टेन, ये तो आ गया आपका सॉल्यूशन। इसकी परसेंटेज भी बनानी है ना, तो आप क्या करेंगे इसकी 100 से पूरे की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी परसेंटेज बन जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 11 की 11 से करेंगे 121 आएगा, 10 की 10 में करेंगे 100 आएगा, और नीचे आपका 10 धाम नीचे भी 100 आएगा, और 100 आपका यहाँ पर आएगा। इस वाले 100 से ये 100 कट गया, 121 में से 100 गए, तो कितना बचा दोस्तों 21 बचा, तो 21% जो है वो उसका प्रॉफिट होगा। देखा आपने कितनी जल्दी आंसर आ गया, यहाँ मैंने आपको समझाया है इसलिए इसको पूरा खोल खोल के लिखा है। अगली स्टेप में हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आएंगे। आइए एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और देखते हैं इसी टाइप का, फिर बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट टाइप पर। ट्रेडिशनल नहीं करेंगे, अब शॉर्ट ट्रिक करेंगे। ट्रेडिशनल आपने सीख लिया, एलसीएम निकालना कर लेना। तो सवाल यहां पर है कि कोई व्यक्ति 16 रुपये में 9 पेन खरीद कर 20 रुपये में 11 के भाव से बेच देता है, तो इस लेन देन में उस व्यक्ति को कितना लाभ या हानि होगा। देखिए हमने क्या बताया था कि पहले हम लिखेंगे आइटम, तो 9 पेन उसने 16 के खरीदे हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे कि उसने 9 पेन जो है वो 16 रुपये के खरीद लिए हैं, फिर उसने 20 रुपए में 11 के भाव से बेच दिए, तो उसने 11 पेन जो है वो 20 रुपए के बेच दिए हैं, ये हमने लिख लिया। हमारी दूसरी स्टेप क्या थी कि किसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 की 20 में करेंगे ये आएगा आपका 9 दुनिया 18, 180 आएगा, माइनस लगाएंगे 11 की 116 से करेंगे तो 176 आएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है इसकी भी कि पहला नंबर एज इट इज लिखो, बाद वाला एज इट इज लिखो, बीच में दोनों को प्लस करके लिख दो, ये आपकी होती है 11 से मल्टीप्लाई की शॉर्ट ट्रिक। और बटे में हम दोबारा से यही नंबर लिख देंगे 176, परसेंटेज बनाने के लिए 100 लगा देंगे मल्टीप्लाई में, हो गया ना आपका, आप सॉल्व कर लेंगे। 180 में से 176 अगर माइनस करेंगे तो हमारा 4 बचेगा, ठीक है, नीचे हमारा क्या है 176 है और मल्टीप्लाई में इसके 100 भी चल रहा है, 4 से ही कट सकता है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, एक बचेगा ये 16 हो जाएगा, फिर 4 चौक 16, तो हमारा क्या बचा 100/44, इसको काटना है तो 44 से इसको काटेंगे, 44 दूनी हो जाएगा हमारा 88, ठीक है 44 दूनी 88, और फिर कितना बचेगा 12 बचेगा, इसको 44 से काटना है, ये हमारा हो जाएगा, फिर इसको भी काट देंगे हम 4 3 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 3/11% का उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है लाभ हो गया। अच्छा प्रॉफिट या लॉस इसमें कैसे पता लगेगा क्या हुआ, देखिए अगर ये काट पीट के जो आंसर आया ना वो प्लस में आया आपका, ठीक है यहाँ से माइनस करके जो आंसर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा, और अगर माइनस में आएगा तो आपका लॉस होगा। जैसे कि यहाँ पर 180 जो था वो बड़ा नंबर था तो प्लस में आंसर आया तो हमारा प्रॉफिट हुआ है ये, अगर यहाँ पर ये नंबर छोटा होता ये बड़ा होता फिर आंसर माइनस में आता तो फिर हमारा लॉस होता, ये आपकी टाइप क्लियर हो गई ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप की तरफ। वीडियो रोकने के लिए खेद है लेकिन मैं एक ज़रूरी सूचना आपको देना चाहूँगा, कई सारे स्कूल के बच्चों के कमेंट्स आते हैं हमारे चैनल से जो जुड़े हैं कि सर अगर हम ये शॉर्ट ट्रिक स्कूल में फॉलो करेंगे तो क्या हमारे मार्क्स कटेंगे, तो मेरा आंसर है कि बिल्कुल कटेंगे। अरे क्यों नहीं कटेंगे आप मुझे ये बताइए भाई, ये जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है ना ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए होती है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादा, टाइम होता है कम, तो वहाँ पर हम टाइम बचा सकें। स्कूल में आप अपने स्कूल का ही मेथड फॉलो करेंगे, क्योंकि स्कूल में ना आपको पर स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, हर एक स्टेप का नंबर होता है, और तो कई टीचर्स तो इस बात के नंबर काट लेते कि आपने उनके तरीके से नहीं किया, ठीक है। तो स्कूल में आप स्कूल का मेथड फॉलो कीजिए, लेकिन हाँ ये सीख ही आपके फायदे की चीज़ है, आप आगे तैयारी करेंगे तो आपके काम आएगी, ठीक है ये भी आपके लिए सीखना जरूरी है। लेकिन स्कूल वाले बच्चों ध्यान से सुन लो, स्कूल में ये सब फॉलो नहीं करना, स्कूल में अपना स्कूल का ही तरीका फॉलो करेंगे ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। आइए अगला सवाल, अगली टाइप हम लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई बेईमान व्यापारी सामान को क्रय मूल्य मतलब सीपी पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बट्टे की जगह 960 ग्राम के बट्टे का इस्तेमाल करता है। ये टाइप है बेईमान व्यापारी वाला, मतलब एक दुकानदार है जो बेईमानी कर रहा है बट्टे में, मतलब वजन में वो बेईमानी कर रहा है, हेर फेर कर रहा है, क्या कि 1 किलो के बट्टे की जगह ना वो सिर्फ 960 ग्राम के बट्टे का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या करते हैं फिर, उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है, तो उसको फायदा कितना होता है। देखिए इस सवाल का कॉन्सेप्ट समझिए फिर आप इसको कर डालेंगे। अब इसको देखिए करना कैसे ये समझिए, मान लीजिए ना कोई चीज ना कितने की है, वो 100 रुपये की है, 100 रुपये किलो है, ठीक है 100 रुपये किलो की चीज़ में मतलब 100 रुपये में वो 1 किलो मिलती है, 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है 100 रुपये की 1000 ग्राम चीज़ मिल रही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो 1000 ग्राम नहीं दे रहा, वो क्या कर रहा है, वो 960 ग्राम देता है सिर्फ, ठीक है 40 ग्राम का वो हेर फेर करता है। अब ये समझो कि जब वो 1000 वाली चीज़ को 960 ग्राम में देगा, मतलब 1000 ग्राम वाली चीज़ को 960 ग्राम में देगा,
तो वो 100 रुपए की चीज को ना 96 में देगा, मतलब वो 100 रुपए में ना 96 रुपए का सामान दे रहा है, ये है इसका मतलब। जब वो 1000 ग्राम के बदले 960 ग्राम दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 100 रुपए के बदले सिर्फ 96 रुपए का सामान दे रहा है, ठीक है। तो वो कितने रुपए बचा रहा है, वो 4 रुपए बचा रहा है हर एक किलो पे, तो वो हर एक किलो पे 4 रुपये बचा रहा है। अब ये 4 रुपये कितने परसेंट हैं हमें ये बताना है, तो ये हम निकालेंगे किसके ऊपर, 96 के ऊपर, क्योंकि इतने पे वो दे रहा है। तो हम निकालेंगे कि 96 का 4 रुपये जो है वो कितना परसेंट है, ये सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको काट लेंगे, 4 से कट जाएगा ये, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, ठीक है। 24 को इसको काटेंगे, 24 × 4 आपका हो जाएगा 96, ठीक है। तो 24 से 100 कटेगा कितनी बार, 4 बार जाएगा, 24 × 4 = 96, 4 बाकी बचेंगे, फिर वो 4 भी दोबारा से 24 से कटेंगे, तो 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24। तो इस तरह से आंसर आएगा इसका कितना, 4 सही 1/6%। तो 4 सही 1/6% का उसको प्रॉफिट हुआ है, इस केस में उसको लाभ हुआ है। आइए, ये मैंने समझाने के लिए आपको इजी क्वेश्चन लिया था, आप क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया ना इजी क्वेश्चन से, अब थोड़ा सा लेवल चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर सवाल है कि एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है, वे जिस बट्टे का प्रयोग करता है उसका भार 20% कम है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए, एक दुकानदार है, वो जितने का भी सामान खरीदता है उससे 10% प्रॉफिट पर बेचता है, और उसके साथ ही वो जो वजन देता है ना, वो 20% कम तोल के देता है, तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना होगा हमें ये बताना है। पहले सीखेंगे इसका ट्रेडिशनल मेथड, फिर आएगी इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो मान लेते हैं कि वो दुकानदार ना वो सामान ₹X प्रति किलो के हिसाब से ले रहा है, ठीक है, ₹X का प्रति एक किलो, एक किलो सामान वो ले रहा है ₹X में, तो वो 10% लाभ कमा रहा है इस ₹X पर। तो X का हम निकाल लेंगे कितना, 110%, यहाँ से आएगा किसका टोटल लाभ होने के बाद क्या अमाउंट आया। लेकिन इसके साथ ही वो 80% दे रहा है, क्या मतलब, 20% कम दे रहा है ना वजन में, इसका मतलब वो सिर्फ 80% ही वजन दे रहा है। तो 80% का टोटल कितना होगा, मतलब 100% कितना होगा, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी मल्टीप्लाई ना 80% के उल्टे से कर देंगे, तो टोटल निकल के आ जाएगा। तो 80 का उल्टा हो जाएगा 80% का, 100/80, ठीक है। तो ये आ गया कि उसने कितने का वो सामान बेचा, सेलिंग प्राइस आ गई उसकी निकल के। तो देखिए, यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर बचेगा आपका 11x और बटे में इसके बचेगा 8। तो ये आ गई उसकी सेलिंग प्राइस के, वो इतने रुपये में सामान बेच रहा है। खरीदा कितने का था उसने, ₹X का खरीदा था। हमने पहले क्वेश्चन में इस वीडियो की ट्रिक सीख ली थी लाभ निकालने की, क्या कि सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे उसका कॉस्ट प्राइस, और उसी से इसको बटे कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, है ना, ये सीखा था ना हमने, एक टाइप आई थी अभी। तो यहां से इसका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो यहां से निकाल लेंगे, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 8 की एक्स में करेंगे 8x हो जाएगा, 11x में से 8x माइनस होगा 3x बचेंगे, तो यहाँ पर आपका बचेगा 3x, और बटे में ये हमारा x है ही। अच्छा, ये जो x है यहाँ पर, ठीक है, ये जो 8 है ना, ये इसके बटे में है, तो ये बटे से नीचे आ जाएगा, यहाँ सॉल्व होके यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 100 तो चल रहा है, x से x कट जाएगा, फिर आपका बचा 300 अपॉन x में आपका बचा यहाँ पर 8, इसको हम काट देंगे तो ये कट जाएगा आपका 8 × 3 = 24, 6 बचेगा, 8 × 7 = 56, 4 बचेगा, पॉइंट लगा 0 तार लेंगे 40 हो जाएगा, 8 × 5 = 40, तो 37.5% प्रॉफिट उसको हुआ है टोटल लाभ में बेचकर और वजन को कम करके, ठीक है। ये था इसका ट्रेडिशनल मेथड, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। आइए इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हम जान लेते हैं क्या हो सकती है। तो दोस्तों, जब भी इस टाइप के सवाल आए कि एक दुकानदार ने इतने परसेंट प्रॉफिट रखा और इतनी बेईमानी कर दी इतने परसेंट कमी करके, तो वहां पर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर भी आंसर ले आएंगे, आपको एक्स वाई मानने की कुछ भी जरूरत नहीं है। देखिए, फॉर्मूला बहुत ईजी है कि टोटल परसेंट प्रॉफिट हमें निकालना होगा, तो हम क्या निकालेंगे, यहां लिखेंगे हम परसेंट प्रॉफिट जो हमें सवाल में दी गई होगी, फिर हम प्लस करके लिख देंगे परसेंट डिक्रीज इन वेट के, उसने वेट में वजन में जितना परसेंट कमी की है वो हम लिखेंगे, अपॉन में 100 करके वही वेट हम माइनस कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, परसेंट प्रॉफिट वो है हमारे सवाल में 10% का प्रॉफिट, उसने 10% का फायदा किया था, तो यहां पर हम लिख देंगे
10, ये वाला प्लस का है, इट इज प्लस आ गया। परसेंट डिक्रीज इन वेट, वेट में उसने कितनी कमी की थी, उसने की थी 20% की कमी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20 आ गया, अपॉन में आपका यहाँ 100 रहेगा, ये वाला माइनस ये आ गया, और फिर दोबारा से यहाँ पर हम 20 लिख देंगे। अच्छा, इसकी परसेंटेज भी तो बनाओगे ना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 20 और 10 हमारे हो गए यहाँ पर 30, ठीक है, 100 में से 20 गए हो गए हमारे 80, मल्टीप्लाई बाय 100, वही शक्ल आ गई जो उसमें बहुत देर बाद आई थी, 0 से 0 काट देंगे, यह आपका हो गया 300/8, और इसको हम डिवाइड कर ही चुके हैं, हमें पता है कि अब आंसर कितना आएगा हमारा 37.5% आएगा। तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट आंसर लेके आ जाएंगे सिर्फ 2 स्टेप्स के अंदर, ठीक है, यह आपका हो गया एक शॉर्ट मेथड। अच्छा, इससे भी शॉर्ट कर दूं, जी हाँ, इससे भी शॉर्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब देखिए आप हमारा तरीका, हम कैसे इसको समझते हैं, तो बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरे साथ सीखिए क्या तरीका हो सकता है। देखिए, मान लीजिए कि उस आदमी ने ना 100 रुपये का वो सामान खरीदा था और उस पर वो 10% प्रॉफिट लगा के बेच रहा था, तो 100 का 10% 10 रुपये होता है, तो वो सामान 110 रुपये का बेच रहा था, 100 का खरीद के 110 का बेच रहा है, लेकिन साथ में वो क्या कर रहा है कि 20% की कमी कर रहा है वजन में। इसका मतलब ये हुआ कि वो 100 रुपये में सिर्फ 80 रुपये का सामान दे रहा है, क्लियर ना, 100 रुपये में 80 रुपये का सामान दे रहा है वो, तो 80 रुपये का सामान दे रहा है वो सिर्फ 100 रुपये के अंदर, तो टोटल डिफरेंस देखिए उसने 20 रुपये यहाँ से बचाए, ठीक है, और 10 रुपये का उसने फिर प्रॉफिट भी कमाया उस पर, तो टोटल प्रॉफिट उसने कमाया कितना, 20 और 10 30 रुपये का, ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट कमाया, कितने पर कमाया, जितने पर उसने बेचा, उसने ना 80 रुपये का सामान बेचा है, तो प्रॉफिट जो निकलेगा वो 80 पे निकलेगा, तो 80 रुपये का 30% कितना होता है, बिल्कुल डायरेक्ट आ गया आपका, ठीक है, वाली स्टेप पे यहीं पहुंच गया, 0 से 0 कट जाएगा हमारा, 300/8 हमें पता ही कितना होता है, 37.5% होता है। तो देखा आपने, ये था हमारा तरीका, बिल्कुल ही हमने बिल्कुल इसका किस्सा ही खत्म कर दिया सवाल का, छोटा करते करते बिल्कुल एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ गया। तो अगर आपको ये कंसेप्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है। आइए अब देखते हैं हमारी टाइप 3, 2 टाइप हो चुकी हैं, तीसरी टाइप की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर लीजिए और डियर सर ग्रुप तो आपके लिए बना हुआ ही है, बच्चे वहां पर जुड़े हुए हैं, आपस में क्वेरीज करते हैं और सॉल्यूशन लेके जाते हैं, आप भी जुड़ जाना, ठीक है। ये हमारा आ गया तीसरा टाइप, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इसके भी, ये सीख लो फिर आप अपने घर में अपने घर। तो यहां पर सवाल देखते हैं कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब CP जो है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मीन SP के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये सवाल आते हैं कि इतने सामान का इतने आर्टिकल से इनका CP इतने के SP के बराबर है, तो इनका प्रॉफिट या लॉस बताओ। तो देखिए, पहले हम इसको करेंगे थोड़े से अपने डिटेल वाले मेथड में, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देंगे आपको। तो यहां पर देखिए, मान लीजिए हम इसको ना LCM वाले मेथड से करेंगे, तो उसने 10 वस्तुएं और 9 वस्तुएं ये उसने खरीदी बेची हैं, तो इन्हीं से हम सवाल शुरू करते हैं कि 10 × 9 कि उसने टोटल ना 90 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, सामान को खरीदने बेचने में उसने टोटल 90 रुपये लगा दिए। अब देखिए, हमसे कहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, तो हम वहाँ से एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, टोटल उसने जो खर्चा किया वो 90 रुपये का किया, ठीक है, और उसने 10 वस्तुएं खरीदी थी, तो यहाँ से हम अगर 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी कि एक आर्टिकल कितने का था, तो यहाँ से कट जाएगा 10 × 90, तो एक आर्टिकल जो था हमारा, एक सामान जो था वो 9 रुपये का था, ठीक है, इतना बात क्लियर हो गई। अब देखिए, 90 रुपये हम दोबारा लेंगे और उसने एक सामान को कितने, फिर 9 वस्तुएं उसने बेच दी, क्योंकि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य हमसे कहा गया है, तो उसने 90 रुपये की 9 वस्तुएं बेची, तो कितने की एक बेची होगी, यहां से कट जाएगा आपका 9 × 90, तो उसने 10 रुपये का वो एक आर्टिकल, एक सामान, वो एक वस्तु बेच दी, 9 रुपये की खरीदी, 10 की बेच दी, मतलब यह आ गया उसका CP, यह आ गया उसका सेलिंग प्राइस SP। अब हम निकाल लेंगे उसका परसेंट, परसेंट हमने निकालना सीख लिया इस वीडियो के स्टार्टिंग में, हमने कैसे निकाला था परसेंट प्रॉफिट, कि भाई हमने पहले रखा था सेलिंग प्राइस, फिर हमने माइनस लगाया था, फिर हमने कॉस्ट प्राइस रखा था और कॉस्ट प्राइस से इसको डिवाइड कर दिया था, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दी थी, यही किया था ना, आपको याद है या भूल गए, है ना, तो याद होगा आपको ये, 10 में से 9 गया आपका 1 बचा, बटे में आपके 9 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आपका 100/9, इसको हम सॉल्व करेंगे, 11 × 99 होता है, तो 11 से पूरा पूरा चला जाएगा, 1 बचेगा तो 1/9 बचा हुआ रह जाएगा, तो 11 से ही 1/9% इसका आंसर आएगा कि उसको इतना प्रॉफिट हुआ है। ये था इसका डिटेल मेथड। अब आ गई बारी शॉर्ट ट्रिक की, तो देखिए हमारी शॉर्ट ट्रिक कितनी मज़ेदार होगी कि आपका ना डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, यही कमाल है शॉर्ट ट्रिक का। तो देखिए, हम यहाँ पे कर देते हैं, जगह है हमारे पास,
आप समझिए सवाल को दोबारा से, देखिए आप कैसे आप हैरान हो जाएंगे एकदम। तो देखिए 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी, देखिए लिखना लिख कैसे रहा हूं मैं कि 10 वस्तुओं का सीपी जो है ठीक है वो बराबर है 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर, मतलब 9 के एसपी के बराबर। यही तो कहा है ना हमसे सवाल में कि 10 का सीपी बराबर है 9 के सेलिंग प्राइस यानी एसपी के बराबर में। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब भी ऐसा केस हो कि इतने आर्टिकल का एसपी इतने के सीपी के बराबर हो तो क्या करेंगे, इसके साथ वाला जो होगा ना वो ये होगा और इसके साथ वाला जो होगा वो ये होगा, सवाल खत्म। जी हाँ, इसके साथ वाला जो होगा ये होगा मतलब सीपी 9 होगा और इसके साथ वाला जो ये होगा एसपी होगा मतलब एसपी 10 होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस 9 होगा और एसपी 10 होगा। सारा ही हमारा जो ये था ना सब खत्म हो गया, सीपी हमारा 9 आ गया, एसपी 10 आ गया। अब हमें पता है कि हमेशा प्रॉफिट जो निकलता है वो सीपी पे निकलता है, तो सीपी हम नीचे रखेंगे और देखिए प्रॉफिट हुआ है क्योंकि 9 वाली चीज 10 में बेच दी, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो 1 ऊपर रख देंगे, जो 1 रुपये का 9 रुपये पर 1 का प्रॉफिट हुआ है वो कितने परसेंट है, तो 9 से इसको काट देंगे वो 11 सही 1/9% आंसर आ जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर। ठीक है, ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक, पसंद आई हो तो शेयर करना मत भूलना, ठीक है, अपने दोस्तों को भी सिखा दो यार, नॉलेज जो है वो बांटने से बढ़ती है। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं हम, नहीं रोक नहीं रहे, अभी नहीं रोक रहे, अभी एक सवाल और करेंगे हम। ये टाइम भी आसान हो गई आपके लिए, आइए एक सवाल और करते हैं, थोड़ा सा चेंज है इसमें। सवाल है यहाँ पर कि एक दुकानदार 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो दुकानदार को कितना परसेंट लाभ हुआ। तो यहाँ पर एक दुकानदार है वो 33 मीटर कपड़ा बेचता है, वो बेचने के ऊपर उसको 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है, तो टोटल प्रॉफिट उसका क्या होगा। बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं कि कपड़ा जो है वो 1 रुपये मीटर है, ठीक है, 1 रुपये मीटर कपड़ा है, तो 33 मीटर कपड़ा उसने बेचा है, 33 मीटर कितने का होगा, 33 रुपये का होगा, तो 33 रुपये का उसने कपड़ा बेच दिया। लेकिन 33 रुपये का बेचने पर ना उसको 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा हुआ, मतलब इसमें वो फायदा जुड़ा हुआ है, वो प्रॉफिट ऐड है, तो हम क्या करेंगे 11 मीटर कपड़े का जो प्रॉफिट है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि ये देखो दोस्तों ये जो है ना ये एसपी है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है, इसमें से हम प्रॉफिट माइनस करेंगे 11 मीटर कपड़े का कितना होगा, 11 रुपये होगा, क्यों, क्योंकि 1 रुपये मीटर कपड़ा बेच रहा है, तो 11 मीटर कपड़े का जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे 11 रुपये, ये हमने माइनस कर दिया प्रॉफिट। तो जब हम एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो हमारा सीपी निकल के आ जाता है, तो सीपी कितना होगा 33 में से 11 जाएंगे तो 22 रुपये आ जाएगा, तो 22 रुपये आ गया इसका सीपी। अब हमें दोनों चीज़ें पता चल चुकी हैं, सीपी हमारा निकल के आ गया, एसपी निकल के आ गया, बस प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं सीपी, तो सीपी जो है वो हमारा है 22 रुपये, प्रॉफिट कितना हुआ है ये बताइए आप मुझे, प्रॉफिट कितना हुआ है यहाँ पर, प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर 11 रुपये का, है ना, माइनस डिफरेंस देखना है हमें, तो 22 रुपये पर 11 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है ये कितने परसेंट है, ये आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो 11 दूनी 22, ठीक है, 2 से जाएगा 50 बार, तो आपका आ गया 50%, उसको पूरा 50% का प्रॉफिट हो रहा है, आधे आधे का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, मज़े में दुकानदार। तो ये आपका सवाल इस तरह से होगा, और अब आ चुका है यहाँ पर आपके पास होमवर्क। तो दोस्तों ये आ चुका है आपके पास होमवर्क, और ये होमवर्क सब बच्चे करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे, और जिसने होमवर्क नहीं किया उसकी मैं अच्छे से खबर लूंगा, मैं ध्यान रखना।